नागपुर पहुंच चुकी है और कंगारुओं ने अपने बयानबाजी के जरिए माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ नागपुर में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मैच खेलना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों और उनके पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के अनुसार उन्हें भारत में अच्छी प्रैक्टिस पिचेस नहीं मिलती हैं, जिस कारण उनकी तैयारियां अच्छे तरीके से नहीं हो पाती हैं। इसमें ते तो यहां तक ये कह दिया कि बीसीसीआई उनके साथ धोखेबाजी करती है और अभ्यास मैचों में उन्हें हरी घास वाले पिच देती है जो कि मेन मैच से बिल्कुल अलग होती है। और इन्हीं बयानातों पर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को करारा जवाब दिया है। आइए अपने इस रिपोर्ट में देखते हैं कि अश्विन ने क्या कुछ कहा। अश्विन ने अपने YouTube पर कहा कि इन बयानातों की वजह से अब सीरीज और रोचक हो गया है और इसे खेलने में और मजा आएगा। अश्विन ने कहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले इयान हीली ने बयान दिया कि भारतीय टीम चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया यहां आकर सहज महसूस न करे। उन्हें लगता है कि अभ्यास के लिए अलग तरह की पिच ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। जहां तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि इस बयान ने नया स्पार्क दे दिया। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, हमें ऐसा स्पार्क चाहिए ना दोस्तों। हमने देखा है कि स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने भी कुछ विवादित बातें कही हैं, तो अब मजा आएगा। आगे अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया का भारत में आकर एक भी मैच न खेलने पर भी उनका राज खोला है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस गेम न खेलने का फैसला किया है। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर भी ऐसा किया था। वो अभ्यास करके कुछ ज्यादा खुश रहते हैं। आपको किसी सीरीज के लिए विदेश में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, इससे थकान होती है। ऐसे में पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने सिडनी में ही वैसी कंडीशन की पिच बनाई जैसी उन्हें सीरीज में मिलती है और तैयार की। इसी तरह भारत आने से पहले उन्होंने मेलबर्न में वैसे ही पिच बनाई और तैयारी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 तारीख को बैंगलोर से नागपुर के लिए रवाना होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।